तो हेलो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। हम लोग खेलने वाले हैं चो चो चास, जो कि बहुत है ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आप में से बहुत से बंदे कहते हैं ये तो पीसी गेम है, पर भाई मैं मोबाइल फ़ोन में भी खेल रहा हूँ। आपको भी मोबाइल फ़ोन में चो चो चास खेलना है तो मैंने कमेंट सेक्शन में वीडियो का लिंक दिया है, जिसे देख कर आप लोग भी अपने मोबाइल में चो चो चास खेल सकते हैं। तो भाई आज हमारा एपिसोड 1 है, आज हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। इस गेम प्ले सीरीज़ का आज से भाई आरंभ होता है और बहुत ही मज़ा आने वाला आपको इस गेम प्ले सीरीज में। गेम बहुत ही मज़ेदार है, मैंने इसके बारे में सुना है और मैंने यहाँ पर गेम को स्टार्ट कर दिया है। और यहाँ पर शुरुआत में आप लोग कुछ स्टोरी टाइप स्टोरी दिखाई जाएगी, क्योंकि यहाँ पे चलेगी। यहाँ पर एक बंदा होता है, मतलब एक बूढ़ा होते हैं, वो भाई हमारी थोड़ी सी हेल्प करते हैं शुरुआत में, क्योंकि यहाँ पर गेम शुरू हो चुका है। तो ये बूढ़ा हुए हैं जो कि भाई हम मतलब कि जो यहाँ पर जो बंदा है ना, जो बंदा मतलब चोचा उसको मारेगा, ये उनके पप्पा जी हैं, ठीक है। तो ये अपने सन को बता रहे हैं कि भाई उसको बुला रहे हैं कि यहाँ पर उसको आना है, मतलब इनसे मिलना है। और ये उनको लेकर जाएंगे एक ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्हें एक एलियन मिलेगा, मतलब एक मॉन्स्टर मिलेगा चोचो चार्ल्स, उनको भाई मारना है। तो ये उसके बारे में बता रहे हैं। तो अब भाई ये वही फ़ोटो है जिसमें आप लोग देख रहे हैं ना, ये वही फ़ोटो है जिसमें चोचो चार्ल्स बना हुआ है और इसको ही हम लोग को मारना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं इन चचा जी के साथ में भाई चोचो चार्ल्स के पास, मतलब उनके पास जा रहे हैं जहाँ चोचो चार्ल्स हम लोग को मिलेगा, उस एरिया में जा रहे हैं। और ये अभी हमें बस बता रहे हैं चोचो चार्ल्स के बारे में, चोचो चार्ल्स कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है इसके बारे में बता रहे हैं। और ये हम लोग को वहाँ पर ले कर जा रहे हैं और ये इतना हंस रहे हैं, लग रहा है कि हम लोग को मारने के तदार पर। तो अभी ये हम लोग को जहाँ पर लिया है, जिनका नाम है एरानी एरम, जिस जगह का नाम है एरानी इरम एरम नाम है। तो अभी हम लोग इस बूढ़ों के पीछे पीछे चलेंगे, तो कि भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं सब लोग बहुत ही बुरी तरीके से मार खाए हैं, पर भाई हम हैं भाई अखंड प्रो प्लेयर और हम गिरा गिरा के मारेंगे चोचो चार्ल्स को। तो अभी भाई हम लोग आ चुके हैं और हमको शायद इस डोर को भाई ओपन करना है, तो इस डोर को भाई ओपन करते हैं, लेकिन ये हो नहीं रहा है भाई। इस डोर को कैसे ओपन करना है भाई बताना भाई, कुछ बोल नहीं, जब बोलता है तो बोलता रहेगा भाई, बोल ही नहीं रहा है भाई, कैसे डोर ओपन होगा भाई, बोल भाई। भाई ये डोर खुल ही नहीं रहा है भाई, क्या हो गया भाई, कुछ करना है क्या भाई, ये डोर ओपन ही नहीं हो रहा है। अब भाई ये कुछ बोल नहीं रहा, जब बोलेगा तो भाई बोलता रहेगा, अभी कुछ बोल नहीं रहा भाई, बोलो भाई क्या हुआ भाई, कुछ तो हुआ है, ये डोर कैसे ओपन होगा भाई बता दे यार। भाई कोई की भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ खा लिया और ये डोर ऊपर से ओपन भी हो रहा है यार, भाई क्या किया जाए समझ नहीं आ रहा भाई। यार ये तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है भाई, डोर कैसे ओपन करूँ भाई बताना प्लीज़। ओह तो भाई फाइनली ये बता रहा है बहुत देर बाद। तो भाई साहब यहाँ पर आखिर इस बंदे ये बंदा मुझे बता रहा है कि आखिर मुझे क्या करना है। तो भाई ये यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर एक ऊपर एक शेड है, तो वहाँ पर अंदर एक ट्रेन है, तो उस ट्रेन से ही हम लोग को चोचो चार्ल्स को मारना है, ठीक है। मैंने बहुत ही आसान तरीके से बता दिया। अब भाई ये भाग कहाँ गया यार, भाई साहब ये तो मिलखा निकला यार, भाई ये तो दिखा भी नहीं भाई, आखिर गया किधर है, सीधे गया है उधर भाई, दिखा अच्छा वो ऊपर तक दिख गया, मुझे दिख गया जाते हुए भाई, कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं भाग गया, इतनी तेज़ भागा भाई मुझे दिखा नहीं आया भाई, ये चीटिंग है। इधर गया था फिर इधर भाई, इतनी ज़्यादा तेज़ भाग के गया ना भाई, भाग मिलखा भाग, इतनी तेज़ कौन भागता यार भाई, किधर गया दिख नहीं रहा सामने, ओ भाई दिख गया बोरा भाई, वो खड़ा वो बड़ा भाई, इतनी तेज़ भागा यार भाई, जो भी को यार कितनी तेज़ भागा है। तो भाई यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, अब भाई क्या करना है, लगता है मुझे इस गेट को ओपन करना पड़ेगा भाई, हो जाओ ओपन भाई, ये भी ओपन नहीं हो रहा, ये भी लॉक है यार भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना है भाई, गेम ये मेरे सर के ऊपर से जा रहा है भाई, बता मुझे क्या करना है, बोल। नो टू वरी वी कैन स्टिल फाइंड वे इन, तो मैं समझ गया भाई। तो भाई ये बता रहा है कि कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है, इसने भाई मेरे मैप पे निशान बना दिया है और वहाँ पे जाके मुझे की मिल जाएगी, उस की को मुझे इसके पास लाना है और इसको खोलना है, ठीक है। तो मुझे की लेने जाना पड़ेगा, इसने मैप में निशान लगा दिया है, तो ये वो निशान है, मुझे यहीं पर टिक मार देना है, मतलब यहीं पर मैं क्रॉस का निशान लगा देता हूँ और मुझे यहीं पर जाके वो की लेकर आना है इसके पास। लेकिन भाई ये खुद नहीं जाएगा, ये कह रहा है भाई तुम खुद जाओ भाई, ये बहुत बड़ा डरपोक है, ये चोचो चार्ल्स से डरता है। तो भाई मुझे जाना है इधर तरफ शायद मेरे हिसाब से, पर ये क्रॉस का निशान बन के क्यों नहीं आ रहा है, मैंने भाई क्रॉस मार तो दिया है पर यहाँ पर निशान बन के नहीं आ रहा भाई, क्या करना है मुझे समझ नहीं आ रहा। तो चेक कर लेते हैं, तो भाई हम लोग जा रहे हैं भाई गलत जगह पर, हम लोग को जाना है पीछे की ओर से, पीछे की ओर जाना है जहाँ पर मैं निशान बनाया, तभी मेरे को वही निशान बन के क्यों नहीं आ रहा है। तो हम लोग को पीछे की ओर जाना है, हम लोग गलत अब जा रहे हैं शायद इधर तरफ भाई, समझ नहीं आ रहा भाई क्रॉस का निशान बन के क्यों नहीं आ रहा है। हाँ भाई मैं उल्टा जा रहा हूँ, अब मैं समझ गया, मेरे पीछे में जाना है, मैं गलत दिखा जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ इधर तरफ, मुझे अपने ठीक पीछे चलना है,
ठीक पीछे मतलब इधर, ओ भाई दिख गया मुझे एस का निशान दिख गया है, तो मुझे अब इधर एस को फॉलो करते हुए जाना है, जहाँ पर ये एक्स का निशान जा रहा है ना मुझे इधर ही तब जाना है, और वहीं पे हम लोग को की मिलेगी और वो की ला के मुझे इस गेट को खोलना पड़ेगा। तो ये एस का निशान जा रहा है ठीक सीधा, तो अभी हम लोग को ठीक सीधे चलना है, जल्दी भाग के चलते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करना है हम लोग को। तो यहाँ पर सीधे हम लोग भाई यहीं पर आना है भाई, ये निशान दिख गया तो यहीं पर हम लोग आ चुके हैं, तो हम लोग को इस गेट खोल के इसके अंदर जाना है, तो इसके अंदर चलते हैं भाई। खुल जा गेट, ये खुल जा, तो ये गेट खुल चुका है, हम लोग इसके अंदर चलते हैं। तो हमें यहाँ पर एक की मिल चुकी है, जो कि ये की पड़ी हुई है, इस की को उठा लेते हैं। अब इस की को उठा के भाई हम लोग को चलना है उसी बुड्ढे के पास, जो कि हम लोग को बताएगा कि हम लोग को आगे क्या करना है। चलो भाई की तो मुझे मिल गई, कहीं भाई वही वो ट्रेन ना आ जाए यार, जिसका नाम चूचू चार्ल्स है भाई, वो मुझे पीछे से आके मार दे आके। चलो भाई डरेंगे नहीं हम लोग, चलते हैं अभी, इतनी जल्दी कहाँ आ जाएगी वो, अभी तो मुझे गेम के बारे में कुछ पता भी नहीं है कहाँ आके मार देगी। तो अभी यहाँ हम लोग आ चुके हैं, और भाई ये हंस रहा है, कह रहा है बहुत ही अच्छी बात है तुम की है। चल भाई, तो भाई यहाँ पर मैंने डोर को खोल दिया है, हम लोग अंदर आ चुके हैं। और भाई ये जा कहाँ रहा है भाई, क्या जगह है भाई, ये ट्रेन भाई चलेगी, मुझे लगता तो नहीं है चलेगी, लेकिन लाइट तो जल रही थी, मतलब ट्रेन ठीक ठाक है कंडीशन में, अंदर भी भाई लाइटनिंग चल रही थी, मतलब ट्रेन ठीक है, मुझे इसमें और कुछ तो करना नहीं पड़ेगा, ये मतलब रेडी है चलने के लिए। तो भाई ये तो अच्छी बात है, ट्रेन चलने के लिए एकदम रेडी है, एकदम मस्त मस्त चीज़ें। तो यहाँ पर आगे चलने के लिए भी एक है, और पीछे चलने के लिए भी हैंडल है, और स्टॉप का भी हैंडल है। और ये क्या है, और ये भाई साहब ये क्या चीज़ है, अपग्रेड्स जीरो स्क्रैप्स। तो भाई हम लोग यहाँ पर ट्रेन को अपडेट्स भी कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। अपग्रेड कर देंगे तो इसमें डैमेज भी बढ़ेगा, और साथ में इसके जो ट्रेन की स्पीड है यार वो भी बढ़ेगी ना, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा तगड़ी चीज़ है कि हम लोग अपनी ट्रेन को भी अपग्रेड कर सकते हैं। एंड भाई यहाँ पर एक गन भी दी गई है भाई, ये मस्त है ना, इसको चलाने में मज़ा आएगा भाई, मैं बहुत प्रो प्लेयर हूँ भाई, फ्री फायर में मैंने बहुत वनटे मारे बंदूक, हाँ मतलब थोड़ा बहुत वनटे मार लेता था, पर यहाँ भी मैं मार लूँगा यार, प्रो प्लेयर हूँ यार भाई, एकदम प्रैक्टिस कर लेता हूँ यहाँ पे। अगर मैं समय चोर चास आता है ना, मैं उसकी खोपड़ी पर ही मारूंगा भाई, और उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। तो यहाँ पर भाई मैं एकदम रेडी हो चुका हूँ चोर चास को मारने के लिए, मैं यार उसको छोड़ूंगा नहीं यार। चलिए तो अभी चलाते हैं अपनी ट्रेन को भाई, हम लोग एकदम भाई रेडी हो चुके हैं, हम लोग ट्रेनिंग कर ली है, और ये आ चुका है अंदर। अब भाई इससे पूछते हैं मुझे करना क्या है, चलो भाई बता भाई करना क्या है। तो ये मुझे बता रहा है इंटीरियर रॉक, बट एवरीथिंग लुक्स टू है भाई, इसको भाई ये कह रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हम लोग चलने के लिए तैयार हैं, बस हम लोग को भाई इस बटन को दबाना है और हम लोग चल पड़ेंगे आगे। यहाँ पर भाई ये ट्रेन एकदम मस्त है, वैसे हम लोग आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी जा सकते हैं, और साथ में इसको स्टॉप भी कर सकते हैं। तो फाइनली अपनी ट्रेन यहाँ पर भाई रेडी हो चुकी चलने के लिए, हम लोग इसको स्टार्ट कर देते हैं, और यहाँ पर भाई अपनी ट्रेन यहाँ पर चल चुकी है। अब भाई हम लोग आराम से जाना, हम लोग वहाँ पर जा सकते हैं। अब भाई ये क्या बोला, वी आर कमिंग फॉर यू 40 भाई, 40 को बुला रहे हैं भाई, अब मारूंगी 40 को, यहाँ पर आता हूँ मैं मर जाऊँगा। और भाई यहाँ पर 40 आ चुका है भाई, भाई इसको मैं गन से उड़ा दूंगा भाई, ये ले भाई, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं भाई, इसकी एसी की तेजी भाई, ये मेरे से पंगा ले रहा है, मैं हेडशॉट मारूंगा इसके, ये ले भाई, भाई गन चल नहीं रही भाई, ख़राब हो गई भाई, भाई अब क्या होगा भाई मरे हम लोग भाई, चली भाई ये क्या हुआ यार, भाई साहब भाई ये क्या हुआ यार, ये बुढ़ा मर गया भाई, बकबक कौन करेगा अब, मैं क्या करूँ भाई, समझ नहीं आ रहा भाई, बुढ़ा यहाँ पे मर चुका है भाई, तो मुझे कोई बुरा तो नहीं लग रहा है, बुढ़ा मर गया है, पर लेकिन मैं आगे क्या करूँगा यार, उस बात का कुछ हो रहा है। अब भाई क्या करना है भाई, देखते हैं हल्के बुढ़े को क्या हुआ भाई, अगर जिंदा होता है ना तो अच्छी बात है, वरना मैं उसको कुछ भी यहाँ कैसे भाई क्या करूँगा, कुछ समझ नहीं आ रहा भाई, कहाँ गया बुढ़ा, दिख नहीं रहा, ओ भाई वो रहा दिख गया भाई, अगर ये मर गया ना तो ये आगे क्या करेंगे वो मुझे नहीं पता है। तो देखते हैं क्या वो भाई, तो क्या हुआ है भाई, ये टपकने वाला है, ये भाई आखिरी सांसें ले रहा है, इसे खून दुख कैसे निकल रहा है भाई ये आखिरी सांसें ले रहा है, लेकिन हिल क्यों रहा है इतना यार भाई, ये हिल क्यों रहा है इतना, ये रीजन भाई खांस खांस के बोल रहा है ऊपर से यार, ये भाई मुझको बता रहा है कि भाई अब मुझे इसके आगे अकेले ही जाना पड़ेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, इसकी बकबक तो नहीं सुनने को मिलेगी, पर लेकिन बताएगा कौन मुझे क्या करना है। ये कह रहा है फाइंड द एक्स, तो मुझे यहाँ पर एक्स ढूंढने पड़ेंगे, फाइंड माय सन भाई, ये कह रहा है कि जा मेरे बच्चे और जाके अंडे ढूंढ, जाके उस अंडे से मुझे चोर चास को मारना है भाई, ये तो यार बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, अंडे कहाँ मिलेंगे मुझे भाई, अब ये गेम मुझे यहाँ से अकेले ही खेलना है, अगर ये बुढ़ा होता तो मुझे थोड़ी सी हेल्प हो जाती, और ये मुझे बताता कि मुझे क्या करना है, अब तो मुझे पता भी नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है। तो भाई चलते हैं अभी ट्रेन को स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत ही दुख भरा यहाँ पर मौसम हो चुका है, पानी गिर रहा है, अब भाई बुढ़ा भी मर चुका है, तो आगे क्या करना है वो भी मुझे बिल्कुल भी भाई पता नहीं है। तो भाई हम लोग अपनी ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, और देखते हैं भाई हम लोग को अब कहाँ जाना है भाई, इसके आगे भाई
तो मैंने अब मैप ओपन कर लिया है। अब भाई देखते हैं हमें कहाँ जाना है। तो यहाँ पर भाई कुछ आगे टिक ऐसे लगे हुए हैं जो कि येलो कलर का टिक है एंड रेड कलर का एक एरो ऐसा है, और आगे भी येलो कलर के कुछ लोग ऐसे बने हुए हैं। तो हम लोग को शायद जो बंदे यहाँ पर येलो कलर के बने हुए हैं ना, तो हमको शायद इनके पास ही जाना है और यही हमारी कुछ हेल्प करेंगे चोचो चास को मारने के लिए। तो अभी हम लोग जा रहे हैं ट्रैक नंबर 1 पे, वहाँ पे मुझे यहाँ पे एक एक पर्सन मिलेगा जो कि मेरी हेल्प करेगा। तो देखते हैं भाई ये बंदा मेरी क्या हेल्प करता है। भाई कोई अच्छी से हेल्प कर दे तो भाई बस बात है। अब भाई मुझे करना क्या है, मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसके बारे में। मैंने तो बंदा तो मर गया, मैं कैसे मारूंगा उसको समझ नहीं आ रहा है। वो गन से मरेगा ही नहीं मेरे हिसाब से, मैंने उसको गन से इतना शूट करा उसकी बहुत ही कम लाइफ गई है, पता नहीं क्या होगा। तो अभी भाई फर्स्ट पर्सन के पास हम लोग पहुँचने वाले हैं। फर्स्ट पर्सन के पास पहुँच के भाई देखते हैं कि भाई वो हमारी क्या हेल्प करेगा। तो यहाँ पर भाई फर्स्ट पर्सन आ चुका है, ट्रेन को अपने स्टॉप कर देते हैं। तो भाई अभी हम लोग फर्स्ट पर्सन के पास पहुँच चुके हैं और चल के भाई उससे जाके कुछ पूछते हैं। अगर वो हमारी कोई अच्छी सी हेल्प कर दे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई अब मुझे पता नहीं है कि क्या करना है। अगर मुझे कोई अच्छी सी गन दे दे तो जिससे मैं चोचो चास को मार सकूँ तो भाई वो अच्छा रहेगा। तो ये बैठा हुआ ही है, तो इससे बात करते हैं क्या बात है भाई, कुछ अच्छा सा भाई मेरी हेल्प कर देना प्लीज़ यार। तो इससे कुछ बातें करते हैं और देखते हैं ये हम लोग को क्या बताता है। हैप्पी यू कम ओके ठीक है आगे बताओ भाई आगे। तो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें चोचो चास को मारना है तो उसके लिए तुम्हें अपनी ट्रेन को अपग्रेड करना पड़ेगा। उसके लिए स्क्रैप्स होंगे जो कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था जब मैं ट्रेन में गया था। तो मुझे ये स्क्रैप्स देगा जिससे मैं अपनी ट्रेन को अपग्रेड करूँगा। इसके पास कुछ स्क्रैप्स पड़े हुए हैं जिससे मैं अपनी ट्रेन को अपग्रेड कर सकता हूँ, ठीक है। तो उनने मुझे एक की भी दी है, इसने मुझे इस की से शायद कुछ हेल्प होगी, या तो भाई इसने मुझे जिस जगह भेजा है ना वहाँ पर ये की यूज़ होगी। तो भाई इसका बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने मुझे की दी है। तो मुझे जाना है कुछ इस लोकेशन में जहाँ पर एक गोला ऐसा बन के आ रहा है, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग जाते हैं और जाकर देखते हैं चल के कि भाई इसने मुझे कहाँ भेजा है। मैं भाई फालतू में इतनी देर से पीछे ढूंढ रहा था, पर भाई इसने मुझे इस मेरे मैप में इन्हें लोकेशन एक टिक कर दिया, तो मुझे वहीं पर जाना है। तो अभी चलते हैं इसके लोकेशन पर जहाँ पर इसने मुझे भेजा है और वहाँ पर जाके स्क्रैप लेते हैं। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा क्योंकि लोकेशन थोड़ी आगे ही है। तो भाई देखते हैं वहाँ जा कर हमको क्या मिलता है। अगर भाई कोई गन मिल जाती है तो ये अच्छी बात है, क्योंकि गन से मुझे उसको मारना है भाई, पर पता नहीं भाई ये मुझे क्या मिलेगा। वैसे इसने तो बताया कि ये मुझे स्क्रैप देगा। तो भाई रुक तो यहाँ पर स्टॉप कर देते हैं, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई यहाँ पर हमने अपनी ट्रेन को स्टॉप कर दिया, कुछ ज़्यादा ही हम लोग आगे आ गए। बातों में आगे निकल जाता हूँ पता नहीं चलता। अभी हम लोग को थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, तो पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा पीछे चलना है। फिर जाके देखते हैं इसने मुझे किस चीज़ की की दी है, फिर वहाँ पर पता चलेगा कि क्या करना है। तो थोड़ा सा पीछे करते हैं अपनी ट्रेन को, बस थोड़ा सा पीछे और। तो भाई ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अपनी ट्रेन को स्टॉप कर देते हैं। तो भाई मैंने यहाँ पर ट्रेन को स्टॉप कर दिया, अपनी ट्रेन यहाँ पर स्टॉप हो चुकी है। अब हम लोग को चलना है फिर सामने जो क्रॉस का निशान बन के ना एस का निशान है, तो हम लोग को इधर ही चलना है, ठीक है, सीधे एकदम। तो सीधे एकदम चलते हैं भागते हुए और देखते हैं मुझे किस चीज़, भाई ये क्या है। ओ हम लोग को इसके अंदर जाना है भाई, इसके अंदर क्या मिलेगा हम लोग को, मेरे हिसाब से भाई क्रैप्स ही मिलेंगे क्योंकि इसने मुझे क्रैप्स की बात करी थी। तो हम लोग अंदर आ चुके, भाई कोई गन मिल जाए ना अच्छी बात है यार। तो ये क्या है भाई, यहाँ पे स्क्रैप्स पड़ा हुआ है, तो इसको मैं उठा लेता हूँ। फर्स्ट स्क्रैप मुझे यहाँ मिल गया भाई ये, और यहाँ पे दूसरा मिल गया, बहुत ही अच्छी बात है। गन मिल जाए प्लीज़, कोई वेपन मिल जाए, वो गन बेकार ट्रेन वाली। ये भाई एक गोला, तीन भाई, तीन स्क्रैप्स हो चुके हैं भाई, वेरी गुड। और ये एक ये पड़ा हुआ है भाई, चार भाई, एक और लाओ भाई, आ जा ना आ जा भाई, ये आ गया भाई। यहाँ मेरे पास चार स्क्रैप्स हो चुके हैं जो बहुत ज़्यादा ओपी बात है, ओपी भाई, मज़ा आ गया। अब मुझे एक और स्क्रैप चाहिए, वो कहाँ है, यहाँ पर तो वैसे नहीं पड़ा है, उधर भी नहीं है भाई, ये क्या है। हाँ ये पड़ा है, एक और भाई मिल गया, बहुत सही। तो मेरे पास यहाँ पे चार हो गए शायद, चार या पाँच स्क्रैप हो गए, कमेंट बताना मैंने कभी मैंने कितने, मैं तो भूल गया बातों में। अभी ऊपर चलते हैं, ऊपर देखते हैं कुछ मिलता है। इधर तो कुछ भी नहीं है भाई, कोई वेपन मिल जाए, कोई गन मिल जाए अच्छी सी यार, फालतू चीज़ें मिल रही। स्क्रैप से भाई ट्रेन तो अपग्रेड होगी, पर वो गन बेकार है भाई, गन से कुछ होगा ही नहीं। अभी भाई मैंने तो कितना मारा है भाई, तो कुछ हुआ ही नहीं, बहुत ही कम लाइफ की उसकी। यार मुझे एक और स्क्रैप मिल गया, और यहाँ पर भी एक और भाई, इसने मुझे बहुत सारे स्क्रैप दे दिए, बहुत ज़्यादा, अरे बेहतरीन यार भाई, इससे मैं अब आराम से चोचा उसको मारूंगा। तो यार मुझे एक यहाँ पर पर्चा मिल चुका है, और ये पर्चा लगता है यहाँ पर जो लोग रहते थे भाई उन्हें कहा है, जो लोग भाई चोचो चास से बहुत ही ज़्यादा परेशान थे यार, कि भाई चोचो चास को मारना है, तो उन्होंने ये स्क्रैप्स रखे थे। उनको शायद पता होगा कि भाई मैं यहाँ पे आने वाला हूँ। चलो भाई इनका बहुत बहुत शुक्रिया स्क्रैप्स रखने के लिए।
अब भाई हम इन सभी का बदला लेंगे, मतलब इन बंदों का लेंगे बदला, क्योंकि चोर चार्ल्स को हम लोग को मारना है। तो अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं, हम लोगों ने भाई यहाँ से स्क्रैप्स ले लिए। अब हम लोग को जल्दी से जल्दी फटाफट जाना है अपनी ट्रेन की ओर, और ट्रेन की ओर जाकर अपनी ट्रेन को भाई अपग्रेड कर देना है। फिर भाई चोर चार्ल्स अगर आता है ना तो उसको मैं भून कर रख दूंगा भाई। अब भाई तुम तोकिरो का प्रोनेस देखो क्या होने वाला है भाई। अभी भी आप वीडियो को देखना, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड चलो सब्सक्राइब जो करना, बहुत मज़े आने वाला है इस गेम में, प्ले सीरीज़ में, क्योंकि मुझे तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है भाई इस गेम को खेलते हुए। तो यार मैंने स्पीड को भाई थोड़ा सा बढ़ा दिया है एंड डैमेज भाई डैमेज नहीं बढ़ेगा, मैं सब स्पीड में ही स्क्रैप्स को खर्च कर दिया है। तो मैं ट्रेन की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, वैसे इसकी स्पीड यार ठीक ठाक है, बस इसका डैमेज ख़राब है, तो मुझे डैमेज पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इसके। तो चलो कोई बात नहीं, हमने अपनी ट्रेन को यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं, और हम लोग को अब जाना कहाँ है वो देखना। तो अभी हम लोग को थोड़ा सा आगे और जाना है, वहाँ पर येलो कलर का पर्सन बना हुआ है ना, वो हमें थोड़ी सी हेल्प कर सकता है, शायद वो भी स्क्रैप देगा हम लोग को, तो उसके पास जाना है। मतलब आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना एंड भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। आप लोग को इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दो। तो भाई मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, तो चलो बाय बाय।